सबसे ज्यादा माथापच्ची अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर हो रही है, क्योंकि अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि उत्तर प्रदेश की जो दो बेहद गांधी परिवार से जुड़ी हुई अहम सीटें हैं, एक अमेठी है और दूसरी रायबरेली है, कांग्रेस का यहां से कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी का लड़ना तय अभी तक नहीं है, रायबरेली से प्रियंका का लड़ना तय नहीं है, यानी सोनिया गांधी की बजाय अब कौन वहां से चुनाव लड़ेगा उनकी जगह, तो ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी को राहुल ने कोई इस तरह के इंडिकेशन, कोई संकेत नहीं दिए हैं। अमेठी के चक्कर में लिस्ट फंसे होने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोनिया से फैसला लेने के लिए कहा है। यूपी कांग्रेस राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी यहां से चाहती है। हालांकि अभी तक कोई संकेत इस तरह का नहीं मिला है कि राहुल गांधी क्या वायनाड के अलावा चुनाव लड़ेंगे अमेठी से। और दूसरी तरफ रायबरेली, चूंकि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो ऐसे में क्या प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी, तो ये दो बड़े चेहरे, दो बड़े नाम गांधी परिवार का एक तरह से गढ़ रहा था। हालांकि स्मृति ईरानी जब अमेठी से जीती उससे पहले तक, तो अब ऐसे में देखना ये जरूरी है कि ये दोनों सीटों पर कांग्रेस किस तरह का निर्णय, किस तरह का डिसीजन लेती है, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर अमेठी और रायबरेली से अभी तक नाम फाइनल नहीं हुए हैं। और अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर बीजेपी कह रही है कि राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। अब ये मौका दिया है बीजेपी को ऐसे में, क्योंकि अभी तक नाम फाइनल नहीं हुए कौन यहां से चुनाव लड़ेगा, तो ऐसे में बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी कह रही है कि वो यहां से चुनाव लड़ने के लिए बच रहे हैं। फर्स्ट फेज का जो नॉमिनेशन है, फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, और खास तौर से अगर बात करें तो अमेठी और रायबरेली जो परंपरागत गांधी परिवार का सीट है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं उसको पहले से भाप चुकी है। जनता का मूड, जनता का मत, जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के प्रति है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों का दावा अगर हम करते हैं, तो ये दावा ऐसा नहीं कि हम कोई हवाई दावा कर रहे हैं या कोई चुनावी दावा कर रहे हैं। विपक्ष हमारे दावों में मजबूती है, इस ये बात को साबित विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली से अगर प्रत्याशी नहीं उतार रही है, तो इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि 80 के 80 दावे पे मुहर कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है, वो जनता के बीच में कभी नहीं गए, जनता के बीच में जाने का उनका मकसद कभी नहीं रहा। अमेठी और रायबरेली में अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी को उतारा, तो निश्चित तौर पे वो चाहे कोई भी हो, उसकी जमानत इस बार अमेठी की जनता जब्त करेगी। यूपी कांग्रेस ने हालांकि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला ना लेना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये एक राजसी परिवार है, ये जो है ये वो राजतंत्र वाले व्यवहार में लोग रहते हैं, इनको जनता के मत से, जनता के विकास से कोई मतलब नहीं। तो फिलहाल कटाक्ष करते हुए दानिश आजाद अंसारी, उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री, उनका साफ साफ ये कहना है कि इनको पूरा भरोसा है कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे चुनाव, रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं लड़ेंगी चुनाव, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी का घोषणा अभी तक नहीं कर पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ। और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो हमें बताएंगे महाराष्ट्र की सियासी हवाओं का हाल, और साथ ही बताएंगे राजस्थान में कांग्रेस ने क्यों चला है नए चेहरों पर दाव। कहीं बंद कर दिया है, यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा था। ये ऐसा भ्रष्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी। 10 साल पहले तक जो सरकार में थे उनको ये सूट करता था, उनकी राजनीति को ये सूट करता था। लेकिन साथियों, हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई।
हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए। और राइजिंग इंडिया के मद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 2014 से पहले देश की साख गिर रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी आप याद दीजिए। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है, आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। सुपर 10 में 10वीं खबर, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर बड़ा आतंकी हमला, ऑटोमेटिक वेपन और हथगोलों से किया अटैक, 7 लोगों के मारे जाने की खबर। सुपर 10 में 9वीं खबर, असम पुलिस की गिरफ्त में आया एसआईएस का इंडिया चीफ हारिस फारूकी, बांग्लादेश की सीमा पार कर असम के धुबरी पहुंचा था फारूकी, एसआईएस चीफ का एक और साथी भी चढ़ा पुलिस के हाथ। सुपर 10 में 8वीं खबर, बदायूं में नाबालिग भाइयों के डबल मर्डर के दूसरे आरोपी जावेद पर 25,000 के इनाम का ऐलान, साजिद एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, डीएम ने 15 दिन के अंदर जांच करने के ऑर्डर दिए। सुपर 10 में 7वीं खबर, पीलीभीत से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते वरुण गांधी, अपने प्रतिनिधि को भेजकर 4 नामांकन पत्र खरीदे, एसपी के रामगोपाल यादव ने कहा बीजेपी ने काटा वरुण का टिकट तो पार्टी कर सकती है विचार, अखिलेश ने कहा वरुण गांधी से नहीं हुआ किसी तरह का कोई संपर्क। सुपर 10 में 6ठी खबर, समाजवादी पार्टी ने 6 और सीटों पर किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, संभल से जियाउर रहमान बर्ख, बागपत से मनोज चौधरी, नोएडा से राहुल अवाना, पीलीभीत से भगवत सरन, गंगवार घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र सिंह बिंद को बनाया उम्मीदवार। सुपर 10 में 5वीं खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गुजरात की 10 सीटों पर नाम तय, महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान की भी 7 से 8 अहम सीटों पर लिया गया फैसला, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे का महाराष्ट्र के शोलापुर से नाम तय।